फाइनली सुबह का ठंड देख के तो मैं फिर से रजाई में घुसने का ही सोच रहा था, और इतनी ठंड देख के मैं सच में कुछ देर और सोने के बाद सोचा आगे बनाऊं। नहा धो के तैयार बना। जैसे कि आपको पता है आज मेला है और भूमि पूजन है, तो उसका मीटिंग चल रहा है और साथ में थोड़ा बहुत तो भूमि पूजन का मीटिंग चल ही रहा था, इसी बात पे थोड़ा बहुत बात विवाद भी हो रहे थे कि थोड़ा हलचल हो रहा था कि क्या होगा, कहाँ करना है, जगह निश्चित नहीं था कि कहाँ पे भूमि पूजन किया जा सके, तो इसलिए थोड़ा इधर हलचल भी हो रही थी। थोड़ा बहुत मैंने मंदिर घूम लिया, उसके बाद थोड़ी बहुत बात विवाद हो रही थी, उसके बाद फाइनली हम लोग सोचे कि अब ये लड़ाई वड़ाई देखना बंद करते हैं, फिर डिसीजन हो गया कि भूमि पूजन कहाँ पर होगा, फिर निश्चय किया गया कि नदी के पास भूमि पूजन किया जाएगा। इसी बीच हम लोग पूजा पाठ करके रेडी हो गए, हम लोग भी पूजा पाठ करके अपना फिर भूमि पूजन देखने आ गए। ये अभी गोबर से, जो हमारे यहाँ गोबर से शुद्ध किया जाता है भूमि को, गोबर के से लीपा जाता है, पर यहाँ पर छिड़काव करके गोबर डाल के पानी में और इसमें छिड़काव करके इसको शुद्ध किया जाएगा ज़मीन को। किसी भी कोई पर्व या कोई महापर्व हो या कुछ भी हो, छोटा पर्व क्यों ना हो या कुछ भी हो, हवन हम लोग गोबर से ही शुद्ध करते हैं, तो शुद्धिकरण के लिए गोबर का छिड़काव करने के लिए ये घोल बनाया जा रहा है, और इससे पानी का छिड़काव जब हो जाएगा तो ये भूमि पूरा तरीके से शुद्ध हो जाएगा। तो गोबर से छिड़काव करने के बाद आगे का कार्यक्रम होता है। हाँ ठीक छे, तो खानोर हाले चलते श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय जय श्रीराम जय जय श्रीराम। तो हेलो गाइस, भूमि पूजन समाप्त हो गया और आज का वीडियो हमारा यहीं पे शायद ख़त्म हो जाएगा। सो, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। मैं इस वीडियो में तो वॉइस ओवर इस साथ में कर ही नहीं सका क्योंकि यार मेरे पास माइक थोड़ी है ना, और गाने बज रहे थे तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो।